नमस्कार, मैं डॉक्टर रूप सिंह, फाउंडर प्रेसिडेंट IMA भिवाड़ी एंड प्रेसिडेंट फाउंडर SHRI फाउंडेशन। आज मेरा कोरोना से मुक्ति का दिन है, इसलिए मैं आपके साथ भी वो पॉजिटिव बातें शेयर करना चाहता हूँ जिसके कारण बहुत सारे लोग भयग्रस्त हो रखे हैं। 9 दिन तक कोरोना शरीर में बिल्कुल मरियल हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, इसका डुप्लीकेशन बंद हो जाता है। Day 4, Day 5, Day 6 थोड़े से रेप्लिकेशन के दिन होते हैं, इसलिए सिम्टम्स इनमें ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, अपना ऑक्सीजन बीच बीच में चेक करना पड़ता है। 9 दिन के बाद कोरोना शरीर में जो जो डैमेज करके छोड़ के गया है उसके सीक्वल सिम्टम हो सकते हैं, आपसे किसी और को कोरोना नहीं हो सकता, ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। फिर भी भारत में सावधानी के लिए 14 दिन तक और क्वारंटाइन रखा गया है, उसके बाद और भी चाहें तो आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद आप कोरोना से फ्री हो जाते हैं। आँख में लाली आना हो सकता है, 1-1.5 सप्ताह चले। कान में घंटियाँ बजना हो सकता है, थोड़े दिनों चले। गले में खरांस और खांसी, ये तो महीनों महीनों, जिसको कोरोना ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो तो 1-2 महीने तक रह सकती है। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शीशे के ऊपर शीशे पीने की ज़रूरत नहीं होगी। सीने में दर्द और मांसपेशियों के दर्द में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो दर्द एकाध मांसपेशी में हो, कभी कभी हो, वो कोविड मस्कुलर पेन है। जो दर्द एग्जर्सन के ऊपर हो, सीने के बीचों बीच में हो, वो हार्ट का हो सकता है, अपने डॉक्टर से राय ले लें। एकाध पेन किलर लेने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग हार्ट के पुराने मरीज हैं, सावधानी के लिए इस सारे समय के दौरान एस्प्रिन 150 मिलीग्राम की अगर लेंगे, एक ब्लड थिनर लेंगे, तो ये बहुत सावधानी की बात है। जिनका डायबिटीज फ्लैक्चुएट करता रहता है, उनके लिए भी ये राय है कि इस दौरान अपने शुगर को कंट्रोल रखें, बल्कि अच्छा तो ये हो कि वो इस दौरान इंसुलिन का उपयोग करके परफेक्टली कंट्रोल रखें। पेट में कोविड गैस्ट्राइटिस होना, हिचकियाँ चलना, गैस बनना, पेट फूलना, यहाँ तक कि 1-2 पतले दस्त लगना, ये आम बात है, ठीक हो जाएंगे, समय के साथ ठीक हो जाएंगे। पेट की शीतलता के लिए आंवला, पेट की शीतलता के लिए छाछ, जीरा डली हुई छाछ, गन्ने का रस, नींबू का पानी, संतरे का जूस, नारियल का पानी, मौसमी का रस आदि बहुत अच्छा रहता है। नाक और गले की खराश दूर करने के लिए अजवाइन और पुदीने के पत्तों से इनहेल करना इसको खोल देता है। कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, दाने आ सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं दवा से तो नहीं हो गया। सच मानिए तो कोरोना की कोई दवा है भी नहीं। सच मानिए तो हम केवल अभी तक सिम्टोमेटिक पेन ही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग केवल कोरोना के डर के मारे बेतहाशा चिंता में हैं, जो लोग घर में खिड़कियाँ भी नहीं खोलते, जो बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक इस ऊपर भी उनके घर कचरा नहीं उठाना आते, वो बायोमेडिकल वेस्ट के 2 थैले बनाए, एक में जो नॉर्मल आटा, नॉर्मल रोटी, नॉर्मल सब्जी वो है वो रखें, लेकिन अपने यूज़ किए हुए मास्क, अपने दूसरे ग्लव्स थैले में डालें जिनको भी जलाना पड़ेगा या प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट होगा। मैं मानता हूँ कि ऐसे टाइम पर नगर परिषद की सेवाएं या स्वीपर्स की सेवाएं चैलेंजिंग हो जाती है, लोग घर पर नहीं आते। किसी भी तरह की इमरजेंसी में आपके द्वारा आपके डॉक्टर को सूचना देकर उससे राय कर लेना भी इसमें ठीक रहेगा। बॉडी एक मसल पेन, पैरों में कमजोरी, पैरों में थोड़ा बहुत दर्द हो तो उसके लिए पैरों की मालिश करना ही सफिशियंट है, इसके लिए पेन किलर की ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, धूप बड़ी मदद करती है, धूप विटामिन डी का सोर्स है, इसलिए 1/2 घंटे तेल की मालिश करके और धूप सेकना विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो आज मैंने आपको वो चिंता मुक्त करने वाली सारी बातें बताई हैं जिनका मैंने भी प्रयोग किया है। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सब अच्छे रहें, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।